इसमें देखो एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 का पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है भाई। देखो x इक्वल टू क्या रखना है, 0, क्या करेंगे पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमारा, तो px लिखते हैं पॉलिनोमियल को, px क्या दे रखा है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है जी। क्या रखना है x की जगह, x की जगह 0 पुट करना है, ठीक है। तो x की जगह हमने 0 रख दिया, तो यहाँ भी हम 0 रखेंगे, माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है जी। आगे देखो, ये 0 माइनस 0 का स्क्वायर भी 0, ये भी 0 प्लस 3, क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया हमारा 3, क्लियर है। तो इसमें जो भी x दे रखा है उसकी x की वैल्यू पुट कर देनी है। सेकंड पार्ट देखो, x इक्वल टू माइनस का 1, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, px से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। x की जगह हमें क्या रखना है, माइनस 1, 5 माइनस 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस का 5, आगे माइनस का 4 है, पहली बार इसको देखो, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। माइनस का साइन गायब, तो ये माइनस 4 ही रह जाएगा, ठीक है, ये प्लस 3। इसके बाद माइनस 5 और माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 9, माइनस का 9 प्लस का 3 कितना हो गया, माइनस का 6, क्लियर है, ये अपना आंसर है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में क्या रखना है, x इक्वल टू 2 रखना है, ठीक है ना। देखो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 पुट करना है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है, px से डिनोट करेंगे, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, x की जगह 2 रखना है, 5 x की जगह 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3, देखना 5 2 जा 10 माइनस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 और प्लस का 3, ठीक है। माइनस का 16 और प्लस का 13, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, यही अपना आंसर है। पहला क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो चलो, क्या करना है हमको, पी जीरो निकालना, पी वन निकालना और पी टू निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना, पहले करने की कोशिश करना, उसके बाद देखना, ठीक है। तो पहला पार्ट पकड़ते हैं हम, ठीक है। क्या है, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ पे क्या रखना है, एक बार जीरो, एक बार पी की, एक बार वन और एक बार टू रखना है, ठीक है, वाई की जगह पर। हम पी जीरो निकालते हैं पहले, तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ जीरो रखेंगे, तो जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, ये जीरो, ये जीरो क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। तो पी जीरो क्या आ गया हमारा, वन, ठीक है, एक चीज़। दूसरा पी वन भी निकालना है, तो जहाँ पे वाई है उसकी जगह वन, वाई की जगह वन, वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस का वन, तो ये क्या आ गया, वन माइनस वन, ये ख़त्म, और एक वन, ये भी क्या आ गया, वन। तीसरा क्या निकालना है हमको, पी टू, तो वाई की जगह टू रखेंगे, टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, फोर माइनस टू प्लस वन, ठीक है, क्या आ गया, फाइव माइनस टू थ्री आ गया, क्लियर है जी। सेकंड देखना एक बार इसको, सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। ये मैंने रेखा खींच दी यहाँ पे, रेखा जानते हैं आप, हाँ लड़की, अच्छा। इधर देखो, टी क्या है पता नहीं क्या है, जो भी है उस वेरिएबल की जगह जीरो रखना है, वन रखना है और टू, ठीक है। पी जीरो, यहाँ पे टू प्लस टी की जगह जीरो, फिर टू, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब, क्लियर है। टू जीरो ख़त्म, ये भी जीरो, ये भी जीरो, आंसर इज टू। वाओ, क्या इंग्लिश है मेरी, ठीक है। वन रखते हैं टी की जगह पे, तो टू प्लस टी की जगह वन प्लस टू, वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, यार कैसे कैसे क्वेश्चन है ना, इतने आसान आसान, ये क्या आ जाएगा, टू माइनस वन, ठीक है। देखेंगे, टू और वन थ्री, और वन थ्री और टू फाइव, माइनस वन कितना आ गया, फोर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना भाई इनको खुद एक बार, टू रखना है वेरिएबल की जगह, तो टू टी की जगह टू प्लस टू, टू का स्क्वायर माइनस टू का क्यूब, क्या आ गया, टू प्लस टू प्लस फोर, टू जा एट और माइनस एट, तो एट से तो एट यहीं पे ख़त्म, और टू फोर, क्लियर है। चलो अगले पे चलते हैं। देखो थर्ड, पहले क्या निकालना है, पी जीरो, वेरिएबल की जगह जीरो रखेंगे, ठीक है। तो एक्स, एक्स की जगह जीरो का क्यूब, तो ये आ जाएगा जीरो, ठीक है। फिर क्या निकालना है, पी वन,
तो एक्स की जगह वन रखेंगे, वन का क्यूब क्या होता है वन। तीसरा क्या है, पी टू निकालना है, ठीक है। तो एक्स की जगह टू रखेंगे, टू का क्यूब करेंगे तो ये क्या होगा, एट। ठीक है, ये तीनों हमारे रिजल्ट आ गए। लास्ट देखो, लास्ट में क्या है, एक्स भाई मार्कर थोड़ा लाइट हो गया इस पर लिखता हूँ, ठीक है। फोर्थ वाले को एक्स की जगह क्या रखना है, पहले ज़ीरो। तो अच्छा पहले इसको अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो चाहो तो, रख ऐसे भी दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले सही से कर ले हम, तो चाहो तो कर लेना वरना कोई नेसेसरी भी नहीं है। एक्स की मल्टीप्लाई देखो, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ए माइनस बी और ए प्लस वाली आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और वन के स्क्वायर को हम वन ही रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से रखना शुरू करते हैं, एक्स की जगह जीरो रखना है एक बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस वन क्या आ गया, माइनस का वन, ठीक है। अब रखेंगे पी की जगह, एक्स की जगह वन, ठीक है। तो यहाँ पे वन का स्क्वायर माइनस वन, तो वन माइनस वन जीरो, ठीक है, एक बार ये आ गया जीरो। तीसरा क्या रखना है, टू रखना है वेरिएबल की जगह, तो टू का स्क्वायर माइनस वन, तो फोर माइनस वन ये क्या आ गया, थ्री। क्वेश्चन खत्म। ऐसे भी क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, बता। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। ये कुछ पॉलीनोमियल दे रखे हैं, ठीक है, और इसके बराबर में ये दे रखे हैं, तो मैं वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है या नहीं है, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल कब होता है, जब हम वेरिएबल की ये वाली वैल्यू इसमें रखें और ये पूरा पॉलीनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब ये क्या होगा, तब ये जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। करते हैं सॉल्व एक बार, देखो जो भी कुछ मैंने बोला हो सकता है कुछ पर लेना पड़ा हो, लेकिन अब पड़ेगा। देखो एक्स की जगह हमें क्या पुट करके देखना, माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस वन अपॉन थ्री, इसमें रखेंगे थ्री, एक्स की जगह माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन। तो देखना आप, थ्री से थ्री कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस का वन प्लस का वन, ठीक है, ये क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब ये क्या है, यस एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, क्लियर है। इधर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसमें एक्स की जगह रखना है फोर अपॉन फाइव, तो पी फोर अपॉन फाइव इक्वल टू फाइव फोर अपॉन फाइव माइनस पाई, ठीक है। देखना फाइव से फाइव कट गया, ये क्या गया, माइनस फोर माइनस पाई, क्या ये जीरो है, नहीं, ये जीरो नहीं आया, तो नो एक्स इक्वल टू फोर अपॉन फाइव इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है भाई। इधर देखो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स बराबर क्या रखना है, एक बार वन रख के देखना है, एक बार माइनस वन रख के देखना है, ठीक है। चलो भैया, तो पी यहाँ पे वन रख लेते हैं, पी इक्वल एक्स इक्वल टू वन रख लिया, ठीक है। या देखो एक्स की जगह क्या रखना था, वन, वन का स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वन क्या आ गया, जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये जो वन है ये तो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है, इसको देखते हैं माइनस वन और रखते हैं, तो यहाँ पर इस बार माइनस वन रख दिया हमने, ठीक है। तो एक्स की जगह माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा, अरे हाँ है ना, हाँ। जीरो, हाँ। आप बिहार से आई हैं, चलो कोई बात, ठीक है जी, आगे पार्ट तो थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर फोर देखो एक बार। एक्स की जगह हमें क्या रख के चेक करना है, हमें एक्स इक्वल टू माइनस वन चेक करना है, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल है या नहीं, या फिर टू इसका जीरो ऑफ पॉलीनोमियल है या नहीं, ठीक है। पहले माइनस वन रखते हैं, एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे, अच्छा पहले इसको चाहो तो सही फॉर्मेट में कर लो, या फिर मत करो सीधा कर दो। एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस वन प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, माइनस वन माइनस टू, अच्छा एक बात देखो, यही जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें पूरा जीरो हो गया, ये क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब माइनस वन क्या है, माइनस वन क्या है, इसका जीरो ऑफ पॉलीनोमियल है, तो मैं यस लिख दे रहा हूँ, आगे की लाइन तुम लिख लेना, एक्स इक्वल टू माइनस वन इज द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। इधर देखो अब एक्स की जगह क्या रखना है, टू, ठीक है, ये मैंने स्टाइल में टू बनाया है, अब ये टू लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है, कुछ और ही दिख रहा हो तुम्हें। एक्स की जगह टू प्लस वन, एक्स की जगह टू माइनस टू, अब इस बार ये जीरो हो जाएगा, टू माइनस टू ये जीरो होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, इसका जीरो पॉलीनोमियल होगा। आओ अगले पे चलते हैं, ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो हम क्या कुछ कर नहीं सकते। इधर देखो पी एक्स की जगह क्या रखना है, जीरो इक्वल टू जीरो का स्क्वायर कितना होता है बताना, अरे वाह कहाँ से पढ़ी हो आप, आगरा यूनिवर्सिटी से, इधर देखो चुप चुप चुप, इधर देखो पी एक्स, एक्स की जगह क्या रखना, माइनस एम अपॉन एल, ठीक है। एक्स की जगह क्या रखना, माइनस एम अपॉन एल, एल इन टू इसकी जगह माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कट जाएगा,
क्या आएगा, माइनस का m प्लस का m, ये क्या आ गया जीरो। इसका मतलब ये भी क्या है, माइनस m अपॉन l इज द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, यस। चलो भाई इन्हें राइट करो फटाफट से, नेक्स्ट पार्ट देख, इधर देखेंगे सॉल्यूशन। x की वैल्यू रखनी है माइनस वन अपॉन रूट थ्री और टू अपॉन रूट थ्री, चेक करना है जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है या नहीं है। वाह क्या हॉरन था, माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है, इक्वल टू थ्री, एक्स की जगह क्या रखना है माइनस वन अपॉन रूट थ्री, माइनस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस वन, ठीक है, यहाँ भैया कॉमा यहाँ पर है, ठीक है, ये अपना पॉलीनोमियल है, इधर देखो। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे, चलो कर लेते हैं, वन का ये माइनस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, मतलब माइनस हट जाएगा, ठीक है, और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री ही आ जाएगा, अब थ्री से थ्री कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस वन, ठीक है, ये क्या आ गया जीरो, क्लियर है। तो ये तो इसका जीरो ऑफ पॉलीनोमियल है। अब इसको चेक करते हैं टू अपॉन रूट थ्री को, पी एक्स की जगह टू अपॉन रूट थ्री इक्वल टू थ्री, टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन, इसको करेंगे तो क्या आएगा थ्री इंटू टू का स्क्वायर फोर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, कुछ ऐसे महानुभव भी हो सकते हैं ना, यही समझ नहीं आ रहा होगा रूट थ्री का स्क्वायर कैसे आएगा थ्री, ठीक है, हो सकता है ऐसा, जलवे हैं दुनिया में, ठीक है। अब फोर माइनस वन कितना आ गया, वाह क्या बात है, तो क्या ही जीरो पॉलीनोमियल है, तो आप सुंदर सी राइटिंग में लिखेंगे नो, क्या डिजाइनदार है, इधर देखो, ये समझ में आया भैया, नोट वोट कर लेना अगर हो जाओ, अभी नोट मत करना भाई, ये देखो x इक्वल टू क्या रखना है वन अपॉइंट टू, ठीक है, अब यही काम रह गया जी आप, यही सब करेंगे आप, मच्छर वच्छर मार रहे हो दिन में, टू x बराबर क्या रखना है वन अपॉइंट टू प्लस वन, टू से टू कटा क्या बचा वन, यहाँ क्या वन, वन और वन टू, यही होते हैं ना आपके यहाँ, वन और वन टू ही होते हैं ना, हाँ। हमारे यहाँ भी होते हैं। चलो जी क्या ये यस और नो, क्या लिखा मैंने, वाह चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, देखो क्या निकालना है हमें, जीरो इनका निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। सबसे पहले बात सुनेंगे, वेरिएबल इसमें होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलीनोमियल को जीरो कर दे उसे क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है, इधर देखेंगे। तो हम इसमें खुद ही क्या करेंगे, एक्स प्लस फाइव है ना, हम ये जो पॉलीनोमियल दे रखा है ना पी एक्स, एक्स प्लस फाइव जो हमें दे रखा है, इसको जीरो के बराबर रख देंगे, इसको हमने खुद ही जीरो कर दिया, और हम एक्स की वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे जिससे ये जीरो हो गया, ठीक है, बहुत आसान है, एक बार देखेंगे, एक्स इक्वल टू ये प्लस का फाइव, उधर जाके क्या होगा माइनस का फाइव, यही अपना आंसर है, यही क्या हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम x की जगह इसमें माइनस फाइव रख देंगे, x की जगह अगर हम माइनस फाइव रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो, यही हमें करना है, ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलीनोमियल को जीरो कर दे, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल होती है, ठीक है। अब एक पे समय देते हैं, अब जल्दी जल्दी खींचेंगे, देखो रोबोटिक रफ्तार से पी एक्स, अब इसको पी एक्स को लिख ही नहीं रहे, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा देखने में, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू फाइव, ठीक है, इधर देखो x की वैल्यू निकालते जाओ, x की वो वैल्यू आएगी जो इसको जीरो करती रहेगी, ठीक है, 2x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, 2x इक्वल टू माइनस का फाइव, उधर जाके माइनस हो गया, माइनस का फाइव टू मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में x की वैल्यू आ गई माइनस फाइव अपॉइंट टू, इधर देखेंगे px को जीरो रखेंगे, ठीक है, क्या है 3x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो 3x बराबर ये माइनस का टू उधर जाके प्लस का टू, एक्स इक्वल टू टू मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, वाह क्या रफ्तार है। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उतार दे रहा हूँ फटाफट, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स दे रखा है, एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जो इसको जीरो कर दे, तो थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो अपॉन थ्री, क्या हो जाएगा भैया एक्स इक्वल टू जीरो, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है मुझे लग रहा है, ऊपर से जा रहा है। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, देखो ए एक्स इक्वल टू जीरो रख देंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जीरो अपॉन ए, क्या आ गया एक्स की वैल्यू जीरो। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ए जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो ए दे रखा है जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए दिखाया जाता है कि अगर ये जीरो है ए तो पूरा ही पॉलीनोमियल खत्म नहीं हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा पूरा, इसलिए दिखा देते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, अगर ये सी डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है सी अगर जीरो नहीं है, अगर सी जीरो होगा तो यही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, एक्स का टर्म ही नहीं बचेगा, फिर क्या झुंझुना निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे फिर झुंझुना, चलो इधर देखो
सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, हमने जीरो के बराबर रख दिया, सी एक्स क्या आ गया माइनस का डी, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी, यही अपना आंसर है। क्लियर है जी, एक्सरसाइज खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, तब तक